मेरे पास मिनिमम 2 लाख रुपए से लेके अपना ऑलमोस्ट 25-30 लाख की रेंज में सारी गाड़ियाँ होती हैं। ये सर ऑडी A4 है अपना 2013 मॉडल। ये सर अपना 2017 है क्रेटा, ठीक है, और अपना 27,000 चली हुई है पेट्रोल पे, हाँ, और सिर्फ 42,000 किलोमीटर चली हुई है। फाइनली हम लोग हैं महिमा मोटर्स के अंदर, हम लोग शॉप पर बैठे हैं और हमारे साथ है जसविंदर सर। थैंक यू सो मच जसविंदर सर जी। तो सर बताएंगे कुछ, हम सर से पूछते हैं कि किस किस रेंज में गाड़ियां रखते हैं। सर बताएं कुछ, किस रेंज में आप गाड़ियां रखते हैं? सर मेरे पास मिनिमम 2 लाख रुपए से लेके अपना ऑलमोस्ट 25-30 लाख की रेंज में सारी गाड़ियां होती हैं। फोन आ गया भाई बीच में, अभी फोन आ गया तो क्या हो गया, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बात है यार, टेंशन ना लिया करो तुम। तो फाइनली आप सर कौन कौन सी रेंज में रखते हैं गाड़ियाँ? सर मेरी मिनिमम 2 लाख रुपए से रेंज में लेके ऊपर मतलब 30 लाख रुपए की रेंज में सारी गाड़ियाँ मेरे पास होती है। सारी गाड़ियाँ जैसे स्कॉर्पियो हो गया, स्कॉर्पियो हो गई, W10, मर्क, ऑडी, BM, सारी गाड़ियाँ मैं डील करता हूँ। मतलब जिस गाड़ी की आप सोच सकते हो, डिमांड कर सकते हो, वो सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हो जाएगी। सर फाइनेंस में कैसे अवेलेबल होगा, किस किस तरह से, जैसे दिल्ली में ही है या बाहर है? सर मैं सिर्फ दिल्ली में ही फाइनेंस कराता हूँ, मतलब दिल्ली का जिसका रेजिडेंस अपना ITR बैंक स्टेटमेंट अच्छी होगी, मैं उसका लोन करा दूंगा विद इन दो वर्किंग डेज में। आपका लोन 2 वर्किंग डेज में, दो वर्किंग डेज में लोन करा दूंगा आपको। क्या बच्चे की जान लोगे यार, 2 दिन में लोन अप्रूव हो रहा है, क्या चाहिए, तो आओ गाड़ी लो। अच्छा सर मैं ये कहना चाहूंगा, आप क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं कस्टमर को? सर सर्टिफाइड गाड़ी होती है मेरी, कोई मतलब एक्सीडेंट गाड़ी नहीं होती, मीटर बैक नहीं होता, मतलब जो होता है। ये एक बार बहुत बार डाउट रहता है कस्टमर्स को कि यार जो डीलर्स होते हैं वो मीटर बैक करा लेते हैं, तो उसका श्योरिटी आप कैसे देंगे? सर कंपनी चेक कराओ, मतलब मेरे से जब डील कराओ, पहले अपनी तसल्ली करो जी, कंपनी चेक करानी है, कंपनी चेक कराओ अपने, मतलब किसी मैकेनिक को चेक करानी है, मतलब पूरी अपनी सैटिस्फाइड हो जाओ, फिर उसके बाद मेरे से डील कर लो। मतलब जब तक कस्टमर सैटिस्फाइड नहीं होता, बिल्कुल, तब तक गाड़ी नहीं देते, तसल्ली हो, बिल्कुल, जब तसल्ली हो जाता है तब गाड़ी लेते हैं। बिल्कुल, तो चलो फिर काफी सारी चीजें जान ली, अब जानते हैं गाड़ियों के बारे में, रिव्यू देखते हैं कौन कौन सी गाड़ियां, चलो फिर करते हैं शुरू। तो यार फाइनली अब हम करने वाले हैं रिव्यू स्टार्ट जसविंदर सर के साथ। थैंक यू सो मच सर हमारे चैनल पर आपका। तो सर बताइए कौन सी गाड़ी है सर? ये सर अपना 2017 है क्रेटा, 2017 क्रेटा, हाँ जी, SX ऑप्शनल है, टॉप एंड मॉडल है, डीजल में है, हाँ, टॉप मॉडल में आती है, टॉप मॉडल। अच्छा सर कितनी चली हुई है लगभग? ये 46,000 सर। क्या क्या फीचर्स है इसके, थोड़ा एक्सप्लेन करें सर। सर ये टॉप एंड मॉडल है, इसमें एक्स्ट्रा अलॉय व्हील्स, एयर बैग, नेविगेशन सिस्टम, सब कुछ, स्टीयरिंग कंट्रोल, एक बार चल के देख ले थोड़ा सा। बिल्कुल सर, जैसे कि अपना स्टीयरिंग कंट्रोल्स आ गए, पुश बटन स्टार्ट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट एसी, नेविगेशन, मतलब टॉप एंड मॉडल, इसमें हर एक चीज मिलेगी आपको, अलॉय व्हील्स, एयर बैग, अलॉय व्हील्स भी इसमें सारे बढ़िया लगे हुए, अलॉय व्हील्स। तो कितना आस्किंग प्राइस सर इसका? सर 13 लाख रुपए आस्किंग, 13 लाख रुपए आस्किंग प्राइस है। और सर अगर कोई हमारा सब्सक्राइबर फाइनेंस पे लेना चाहे तो फाइनेंस पे अवेलेबल? बिल्कुल बिल्कुल, फाइनेंस अवेलेबल है। तो फाइनेंस जो सर अवेलेबल है, कई बार हमारे जो सब्सक्राइबर है ना वो दिल्ली से बाहर के स्टेट होते हैं, तो सिर्फ दिल्ली के लिए या फिर दिल्ली से बाहर? सिर्फ दिल्ली। अच्छा, जो फाइनेंस अवेलेबल है वो दिल्ली और NCR के लिए। सर एक और चीज, जैसे मान लीजिए कोई हमारा सब्सक्राइबर दूसरे स्टेट से आता है, उसे यहाँ से गाड़ी वहाँ ले जानी, तो उसमें क्या क्या करना होगा? बिल्कुल सर, NOC अवेलेबल होती है, NOC अवेलेबल हो जाएगी, और जो नंबर होगा वो यही रहेगा या चेंज होगा? नंबर सर वहाँ जाकर चेंज हो जाएगा, अगर NOC निकलवाएंगे तो। हाँ जी। अच्छा, और जो नंबर चेंज करने का ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा, वो सब कस्टमर करते हैं, कस्टमर का हमारा सिर्फ NOC तक होता है, हम NOC पे कराए थे। अच्छा, NOC पे आप करा देते हैं, बाकी लोन वगैरह अगर दिल्ली NCR से है बंदा, वो बिल्कुल हम करा देंगे, अवेलेबल हो जाएगा, डोर टू डोर स्टेप मिलेगी। तो भाई साहब फाइनेंस भी अवेलेबल है, गाड़ी की कंडीशन आपने देख ही ली है, तो चलते हम नेक्स्ट कार की तरफ। तो यार जो अगली गाड़ी है ना वो बहुत ही डिमांडेबल गाड़ी है, स्पेशली हमारे चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बहुत कहते हो एक SUV दिखाओ, स्कॉर्पियो दिखाओ, तो अगली जो गाड़ी है वो XUV 500 है। जी हाँ, अब हम करने वाले इसका रिव्यू यार। तो XUV 500 का रिव्यू करने वाले, टोटल सारा रिव्यू सर करके दिखाएंगे, तो सर बताए इसके बारे में। ये सर अपना XUV 2015 मॉडल है, W10 टॉप एंड मॉडल, 15 मॉडल है, W10 सनरूफ वाली, मैनुअल, टॉप मॉडल में, ये टॉप मॉडल में आती है, इसके अंदर भी सनरूफ लगा, सनरूफ आता है। अभी भाई आपको सनरूफ भी दिखाएंगे, टेंशन ना लो। और बता सर इसके क्या क्या फीचर्स हैं? सिंगल ऑनर है सर, फुल इंश्योर्ड है, और अपना 68,000 किलोमीटर ड्रिवन है, टॉप एंड मॉडल में आती है, 68,000 किलोमीटर, हाँ जी। अंदर चल के थोड़ा फीचर बताएं सर। बिल्कुल, तो बताएं सर इसके कुछ फीचर्स। सर टॉप एंड मॉडल है, पुश बटन स्टार्ट, एयर बैग, स्टीयरिंग कंट्रोल्स, और अपना नेविगेशन, इसमें भी हर चीज आती है, टॉप एंड मॉडल। भाई लोग इसमें के साथ
फुल इंश्योर्ड है यार, सबसे पहली बात है फुल इंश्योर्ड का मतलब ये होता है सारी चीजें लगभग इसके अंदर एयर बैग्स आपको दिए हुए हैं और ये ऑटोमेटिक में मैनुअल में मैनुअल अच्छा मैनुअल में हाँ जी। अगर मैं इस गाड़ी की नई में बात करूँ की नई में कितने रेट में आती है? नहीं सर ये 20 प्लस की है। नहीं अगर अभी करंट में लेने जाता है कोई 20 प्लस की है। तो 20 प्लस की मिलेगी हाँ। और ये कौन सा मॉडल है आपका? ये 2015। जैसा कि आप देख रहे कंडीशन काफी वेल नजर आ रही है और काफी बढ़िया कंडीशन में, इसमें सनरूफ भी लगा हुआ है। इसको खोल के दिखाएंगे सर, थोड़ा दिख रहा होगा आपको सनरूफ दिखा गया। तो सर क्या आस्किंग प्राइस इसकी डिमांड कर रहे हैं? इसकी सर 10.5 लाख रुपए। तो सर इसकी जो आस्किंग प्राइस डिमांड कर रहे हैं वो 10.5 लाख रुपए कर रहे हैं, जो कि नेगोशिएबल है। और बाकी नेगोशिएबल के साथ साथ सैम दिल्ली का एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है। अगर आप आते हैं तो भाई हमारे चैनल का रेफरेंस जरूर दें, अगर आप रेफरेंस नहीं देंगे तो हम क्या कर सकते हैं भाई, आपका नुकसान है। तो गाड़ी अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना भाई गाड़ी क्या है। और मैं ये जरूर कहूँगा आपको कि आके एक बार दुकान पे शॉप पे विजिट जरूर करें। कई बार क्या होता है यार, लोग बात कहते हैं, जैसे कस्टमर हमारे कह देते हैं कि यार गाड़ी बहुत महंगी। देखो दिक्कत क्या होती है, काफ़ी लोग है ना फ़ोन करके पूछते हैं सर कितने की है, आदमी ना परेशान हो जाता है। आप शॉप पे जब आएंगे ना तो काफ़ी अच्छा रीजनेबल प्राइस आपको मिलेगा है सर। बिल्कुल मिलेगा आपको। एक रेंज में आपको और भी गाड़ी दिखा सकता हूँ, मतलब इस रेंज में आपको ये गाड़ी मिल सकती है। बिल्कुल और भी वेराइटीज़ में आपको दिखा दी जाएगी। तो चलो फिर चलते हम नेक्स्ट कार की तरफ। ये लगभग 10.5 लाख इसकी डिमांड, 10.5 लाख है। बताना आपको ये गाड़ी कैसी लगी, बहुत एक्सयूवी करते रहते हो। चलो फिर नेक्स्ट कार की तरफ। तो यार अगली गाड़ी जो हमें दिख रही है वो है ऑडी। आइए सर से जानते हैं इसका फुल रिव्यू, क्या कंडीशंस है, कौन सा मॉडल है, कितनी चली है। तो सर से जानते हैं, सर बताइए इसके बारे में कुछ। ये सर ऑडी A4 है अपना, 2013 मॉडल। ऑडी A4 2013 मॉडल, एस लाइन है, टॉप एंड मॉडल डीजल में। ये भी टॉप एंड मॉडल में है, डीजल में। हाँ जी। और क्या क्या फीचर्स हैं सर इसके? सर टॉप एंड मॉडल है, इसमें हर एक चीज आएगी, सनरूफ आ जाएगी आपकी, मतलब प्रीमियम सेगमेंट जो अपना प्रीमियम सेगमेंट में जाते हैं वो आपको प्रीमियम सेगमेंट आपको इसमें मिल जाएगा। सनरूफ है, सब कुछ ऑल ओवर। और बाकी कंडीशन तो इसकी काफी बढ़िया दिखाई दे रहा है। कंडीशन तो आप देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया आपको लग रही है। सर कितनी चली है ये सर? चली है 70,000। 70,000 क्या था? कौन सा मॉडल बताया सर इसका? 2013। बाकी फाइनेंस इस पे भी वही अवेलेबल है जो आपने पहले कंडीशन बताई? बिल्कुल फाइनेंस अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। अच्छा एक सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, मान लीजिए हमारा सब्सक्राइबर, वैसे तो आएंगे पता है मुझे, हमारा सब्सक्राइबर कोई आता है गाड़ी लेने, चाहे कोई सी भी कार आपसे शॉप से लेता है, तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा क्या सर? सर वो तो देखो सर, कस्टमर की घास होती है कहीं कहीं, वो थोड़ा बहुत नेगोशिएबल होता है। देखो प्राइस तो नेगोशिएबल है ही, अगर हमारी वीडियो देखकर सर के पास आप आ रहे हो तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, बाकी वो कितना मिलेगा वो तो शॉप पर आगे पता लगेगा। सर क्या आस्किंग प्राइस इसकी डिमांड कर रहे हैं? इसकी सर 14 लाख। 14 लाख। सर अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि अभी ये करंट में कितने की आती है? नई करंट तो सर अपना 40-45 प्लस है। अच्छा करंट में 40-45 है और अभी जो आप आस्किंग प्राइस कर रहे हो वो 14 लाख करो भाई साहब, नई तो ये आपको 40 प्लस की मिलेगी, बट जो अभी सर दे रहे हैं वो लगभग 14 लाख के आसपास, तो काफ़ी कम रेंज में मिल रही है। तो मुझे लगता है यार आपको एक बार तो यार शॉप पे विजिट करना ही चाहिए। तो चलो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट कार की तरफ। तो यार जो हमारी अगली गाड़ी है वो है होंडा की अमेज। यार कंडीशन जो है ना इसकी काफ़ी देख लो तुम, काफ़ी बढ़िया आ रही है। तो सर से जानते हैं इसका पूरा रिव्यू। मेरी आवाज़ आ रही है तुम्हें? आ रही है। तो सर बताएं इसका टोटल रिव्यू क्या है, क्या नहीं है, कितनी चली है? ये सर अपना 2016 मॉडल है, न्यू शेप। और एक लेटेस्ट जो अब आई है न्यू शेप अमेज, उससे पुरानी शेप है। अच्छा ये टाइप 2 में आती है, टाइप 2 ठीक है। और अपना 27,000 चली हुई है पेट्रोल पे। ये कौन सा मॉडल है? ये मतलब टॉप मॉडल में आता है? मिड का एस। अच्छा मिड में आता है? हाँ जी मिड का मॉडल है। कितनी चली है सर ये? 27,000। कौन सा मॉडल बताया आपने? 2016। क्या क्या फीचर्स है सर इसके अंदर? एक्स्ट्रा सर इसमें अपना कंपैटिबिलिटी सीरो आया था इसमें, और अपना नेविगेशन टाइप आया था नॉर्मल। पीछे इसमें एक्स्ट्रा बैक कैमरा लगा हुआ है, स्टीयरिंग एक्स्ट्रा बैक कैमरा लगा हुआ है, स्टीयरिंग कंट्रोल्स आए थे। बताएंगे जरा बैक कैमरा कहाँ लगा हुआ है? ये हमारी बैक कैमरा की स्क्रीन हो गई है जिसमें आपको पीछे का दिखेगा। दिखा दे भाई कैमरा, ये रहा कैमरा लगा हुआ। चपनी का टायर अनयूज्ड है, बिल्कुल ब्रांड जैसी नई गाड़ी है। और टायर वगैरह भी सारे काफी अच्छी कंडीशन में लग रहे हैं। ये नई गाड़ी अगर अभी लेने जाएं तो कितने की पड़ती है ये अप्रोक्सीमेटली आपका अपना अराउंड मतलब 950 के आसपास पड़ती है। और आप कितना डिमांड कर रहे हैं सर इसके? अपना 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए नेगोशिएबल है? बिल्कुल नेगोशिएबल है। तो भाई लोगों नई गाड़ी आती है 9 लाख के आसपास, सर दे रहे हैं आपको 5 लाख की, और 2016 मॉडल है वो भी बढ़िया कंडीशन में। 2016 वो भी एंड के दिसंबर की, 2016 वो भी एंड के, यानी इसको 2017 ही मान लो तुम।
चलो ठीक है फिर, प्राइस तो मुझे काफी बढ़िया लगा, गाड़ी की कंडीशन तो तुम्हें अभी मस्त दिखी जाएगी, अंदर से भी बहुत बढ़िया, कैमरा तो तुम्हें एक्स्ट्रा मिल ही रहा है। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, और पसंद आए तो आओ यार शॉप पे विजिट करो, ठीक है। बाकी सारी चीजें यार क्या रिपीट करता रहो बार बार, चलो भाई चल मुझे चल। ओके स्टार्ट। तो भाई के भाई लोगो, सैम भाई के भाई लोगो, अब हम आ गए हैं सुजुकी की स्विफ्ट पे। अब देखते हैं इसके फीचर्स, क्या फीचर्स है, ये कितनी चली है, क्या क्या है इसकी कंडीशन, बताएं सर इसके बारे में कुछ। ये सर 2014 मॉडल है, डीजल में, ZDI टॉप एंड मॉडल, ZDI टॉप एंड मॉडल में आता है, और सिर्फ 42,000 किलोमीटर चली हुई है। ओनली सिर्फ 42,000, मतलब जो डीजल की गाड़ी ज्यादातर प्रेफर करता है वो, मतलब ज्यादा ही ड्रिवन के लिए होता है, उनका रोज का 100 किलोमीटर होगा। अच्छा, ये सिर्फ 42,000 चली हुई गाड़ी। अच्छा, यानी अगर हम डीजल के रिव्यू से देखें तो ये काफी कम चली हुई है। हां, लोग बाग लेते भी डीजल के ऐसे ताकि भगाए बार बार। बस बस। अच्छा, कौन सा मॉडल है सर ये? 2014। हाँ यार सही बात है यार, 5-6 साल हो गए और तब भी इतनी 42,000 चलाई है, मतलब फैमिली मेंटेन गाड़ी है। फैमिली मेंटेन गाड़ी, क्या क्या फीचर्स है और सर इसके? इसमें सर टॉप एंड मॉडल है, कंपनी फिट स्टीरियो आएगा, इसमें आपके एयरबैग्स आएंगे, स्टीयरिंग कंट्रोल्स है, अपना अलॉय व्हील्स है, मतलब इंश्योरेंस भी है, हर चीज है, दोनों चाबी अवेलेबल है, सब बिल्कुल अवेलेबल है, काफी सारी चीज है, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, सब कुछ चारों पावर विंडो, स्टीयरिंग शॉर्ट कह सकते हो इसे, अभी हमारा इंश्योरेंस भी इसका अवेलेबल है। अच्छा, ये नई गाड़ी कितने की आती सर? ये नई सर आपकी अराउंड 9 लाख रुपए के आसपास है। 9 लाख रुपए। अगर इसे कोई बाहर स्टेट में ले जाना चाहे तो वही आप NOC प्रोवाइड करा दोगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपका NOC। बाकी सारी चीजें कस्टमर का खर्चा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और उसे नंबर एक्सचेंज कराने का खर्चा, वो आपका। अच्छा, एक चीज और सर, कुछ टाइम लिमिट होती है जैसे हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो नंबर चेंज करने का कुछ टाइम लिमिट भी होता है? सर टाइम लिमिट नहीं, हमने अगर आपको NOC कटवा दी तो वो मतलब 90 डेज से वैलिड होती है आपकी। अच्छा, जो 90 डेज के अंदर अंदर कस्टमर को जोन सी स्टेट की उन्हें NOC कटवाई है उस स्टेट में उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। यानी जो आपने NOC दी है वो 90 डेज की होती है। और मान लीजिए अगर बाई चांस कुछ मिस्टेक हो गया और वो NOC फेल हो गई तो क्या होगा उस गाड़ी? कुछ भी नहीं सर, खत्म। ओए खत्म भाई साहब, अगर दूसरे स्टेट के हो तो जो NOC है उसका बहुत ध्यान रखना, 90 डेज अगर आपको मिल जाए उसी ड्यूरेशन से पहले आपको चेंज कराना है, ठीक है सर। क्या आस्किंग प्राइस डिमांड कर रहे हैं इसके? सर 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए इसकी आस्किंग प्राइस है, 2014 मॉडल। तो बताना आपको कैसा लगा, आपको पसंद आता है, और प्राइस यहाँ आके बात करो शॉप पर, जैसा कि मैं आपको हर बता चुका, सारी कंडीशन सारी वेल मेंटेन्ड है, तो आओ यार शॉप पे विजिट करो, मिलते लगते हैं। तो जसविंदर सर आपको मिलेंगे और हमारे महिमा मोटर्स के ऑनर भी मिलेंगे, वो आपकी काफ़ी अच्छी खातिरदारी करेंगे और बढ़िया कंडीशन में गाड़ी मिल जाएगी। तो चलो फिर करते हैं वीडियो खत्म, गलती हो जाती है। तो फाइनली हो गई वीडियो एंड, तुम बताना यार वीडियो तुम्हें कैसी लगी, मज़ा आया या नहीं आया? मज़ा आया तो लाइक करने का, नहीं आया तो भी लाइक करने का, और कमेंट में जाके बताने का भाई वीडियो में मज़ा नहीं आया तो तुम्हारा सैम भाई अगली वीडियो में मज़ा दिलाएगा। अरे यार, तो चलो फिर फाइनेंस की कंडीशन तुम्हें बता दी, गाड़ियाँ बता दी, सारी चीज़ें, ठीक है। फिर मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी सारी वही चीज़ें यार, तुम्हें गाड़ी चाहिए इंस्टाग्राम मैसेज करो, नहीं चाहिए तो बस फॉलो कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चले भाई जब मुझे अच्छी लग रहा ना, लुक जहर आ रही है ना। अरे यार क्या हो गया, ओए ओ चल भाई ठीक है चल।